दो चोटी बना लिए सुहाना बेटा। हाँ। आपसे हूँ सुंदर है मेरी ब्यूटी क्वीन के बारे में नहीं बना था, नहीं बना था। बीमू को एक्सपोज करेंगे और खुद को एक्सपोज करेंगे। कसम है इनको, जो जो मुझे आज सुबह सुबह बोली है ना, सूत के उठे ही सब कैमरा में बोलना होगा, सब कैमरा में। हेलो यूट्यूब फैमिली जी, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए वीडियो में। यहाँ पे हम आए हैं सर सुबह सुबह बांदा बाबू के साथ। देखिए कितना अच्छा बाल कटा लिए है। सुहाना का बाल हम कल ही कटवा दिए थे और आज है फ्राइडे। बीनू काफ़ी दिन से बोल रही थी अपना बाल और दाढ़ी सेट करवा लीजिए, तो चलिए आज करवाते हैं। ये हम आ गए सैलून के मिरर में। अभी आपको मिलवाते हैं सुहाना से। देखिए सुहाना भी बाल कटवा लिए है। दो चोटी बना लिए सुहाना बेटा। हाँ बेबी कटना। मेरे क्यूटी पाई में जैसा नहीं। वीडियो बनाए थे, हमको तो पता ही नहीं है कब बना लिए वीडियो। जब कटवा रहे थे तभी बनवाया। चावल खा रही हो, साग भात? और भात, सिर्फ भात नहीं तो घी भात तेल, घी भात तेल नून और उसके साथ चावल। हाँ। नहीं वो साग है ना। क्या क्या चीज का चटनी है? बैंगन का। शी। और यहाँ पे कर रही बीमू कुछ साफ सफाई। वेलकम, मैं रेडी हो गया है दोस्तों। अभी मेरे सामने में मेरी बीवी फीकी है। मैं आपसे हूँ सुंदर। है ना। आज के खाने में बहुत जबरदस्त चीज बनाई हूँ। आज मैं फ्रेश होके आया हूँ इसके उपलक्ष्य में। क्या एक मुट्ठी चावल, थोड़ा सा साग, वाह वाह, थोड़ा सा ये चोखा, बैंगन टमाटर का चोखा, और ये वाह, इसको ऐसे करके प्यार से मिक्स करेंगे, ठीक है। और फिर इसको टेस्ट करते हैं। तब इन दिनों हम ना YouTube पे बिल्कुल भी वो नहीं थे, ना कमेंट पढ़ रहे थे ना कुछ, लेकिन हाँ आज पढ़ने बैठे कमेंट तो आप लोग जो बोले हो, बताए हो बीमू के बारे में, हाय मेरी ब्यूटी क्वीन के बारे में। आप प्रेग्नेंट हो गए इसके बारे में बात हुई है। कोई बोल रहे हैं कि बीमू ग्लो कर रही है इस वजह से प्रेग्नेंट है, कोई बोल रहे हैं कि पेट बाहर आ गई इस वजह से। हाँ तो मोटी है तो पेट तो बाहर आ गई। अब मेरे साथ है ना स्लिम ट्रिम, मेरा पेट ही नहीं, मेरा पेट थोड़ा है आ गया तो क्या करेंगे। जिम करो बाबू, जिम करो, सुबह सुबह उठो, ग्रीन टी पियो, गर्म पानी पियो, खाना बिल्कुल मत खाओ, भूखे रहो। आप क्या करते हो, मुझसे क्या करवाते हो? 1-1 बजे रात में खाना बनवा के खाते हो, तो मैं भी खाऊंगी ना साथ में। झूठ। 1 बजे रात को मैं कभी खाना नहीं खाया था। अब वीडियो में कल दिखाया भी हम 10 बजे रात में आपके लिए भुजिया बनाए, तो 10 बजे को 1 बजे रात बोलना होता है। नहीं तो नहीं बोलते, तो 10 बजे ही बनाएगा खाए ना। जो शाम को खाना नहीं बनेगा तो रात को 10 बजे ही बनेगा ना। बना था, शाम को खाए थे ना हम लोग नाश्ता, तब ना नहीं बना था, नहीं बना था। तो 10-10 बजे 11-11 बजे रात में इनके लिए टेस्टी टेस्टी बनाऊंगी मैं। तो मैं जब बनाऊंगी तो मैं तो खुद भी खाऊंगी ना, इनको लगता नहीं है, मुझे लग जाता है, मैं क्या करूँ। इतना तेल डाल कर भुजिया में तेल नहीं, देखिए इतना तेल बना के डालती। और ये इसमें क्या पड़ता है? देखिए अभी कितना चीज बनाए हैं। हाँ। ये देखिए ये है लौकी का सब्जी, लौकी का सब्जी, ये चोखा आलू का चोखा, ये चिप्स है, ये अभी टमाटर का और ये बैंगन का चोखा बनेगा। हाँ। ये चिप्स हुआ। हाँ। ये भुजिया हुआ, दाल हुआ, चावल हुआ। हाँ। इतना खाएंगे आप फिर भी आपको पेट नहीं भरेगा। आप बोलोगे कुछ तो कमी है, कुछ कमी नहीं है, हम कभी नहीं खाऊंगी। बट जितना झूठा बोले मत लगाओ, मैं दाल भात चोखा भी खा लेता हूँ। आपको किसी चीज में तेल ज्यादा हो जाएगा। हाँ तो तेल तो मैं बोलता हूँ, तेल मुझे उतना पसंद नहीं है, इतना तेल मत डाला करो, तो आपको पेट नहीं भरेगा। तो मैं तो खाऊंगी, इतना मेहनत से बनाती रहती हूँ, ये खाते नहीं है तो मैं खुद खा लेती हूँ, तो मैं मोटी हो जाती हूँ, क्या करूँ मैं। इनका दोस्तों 3 स्टेटमेंट रहता है। जब इनको गुस्सा आता है या फिर कुछ अच्छा नहीं बनता है तब पहले बोलेंगे, जैसे कि ये इनको अच्छा नहीं लगा तो ये क्या बोलेंगे कि आज मैं दिन भर भूखा हूँ, ठीक है। तो वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं लगा वो स्टेटमेंट। तो ये फिर दूसरा इनका क्या रहेगा कि मैं 10 दिन से भूखा हूँ, फिर वो भी ज्यादा बढ़ाने लगा। ये फिर क्या बोलेंगे अगले स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट इनका क्या रहेगा कि कि मैं पिछले 6 महीने से ये गलत, ये ओवर जा रहा है, ओवर नहीं नहीं, मैं मेरे बात मेरे को नहीं मालूम रहेगा। मैं बोलता हूँ जस्ट, मुझे पता है मैं 3 दिन से भूखा हूँ, 4 दिन से भूखा हूँ, ये बोलता महीने या हफ्ते में मैं नहीं जाता हूँ। झूठ 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 झूठ, हाँ बस बस बस, इतना भी झूठ मत बोलो भीमू, थोड़ा थोड़ा डर रखो भगवान की, भगवान सब देख रहे हैं, ठीक है। झूठ झूठ मत बोलो, इतना झूठा मत बोलो, हंस हंस का झूठ बोल रही हो और क्या। अभी हम आ गए हैं ग्रिल उद्योग में दोस्तों, यहाँ पे देखिए पीछे काम चल रहा है। हम गैस चूल्हा को एक कोयला का चूल्हा बनाने जा रहे हैं, जिसको कटिंग वटिंग कर दिया है ये बंदा लोग बिगाड़ दिया है काम को। अभी ठीक करवाते हैं फिर से, ये पैसा कर दिया है, अभी इसको फिर ऐसा करना होगा। ये है बंदा लोग। फाइनली अभी इतना बन चुका है और अभी जाली का नाप ले रहे हैं भाई साहब, और इसको लगाएंगे, वेल्डिंग वेल्डिंग करेंगे, फिर इस पर कुछ अच्छा सा नया रेसिपी बना के आप सबको दिखाएंगे। ये शर्मा रहे हैं, और बाकी इतना लोग देखने वाले ये सब भी शर्मा रहे हैं। तो हमारा चूल्हा बन के तैयार हो गया है, और देखिए छुटकी भी आ गई। सुहाना क्यों आए हो यहाँ पे? बोलने के लिए। क्या बोलने के लिए? हो गया। ये बन के तैयार हो गया। उठेगा आपसे? उठाओ तो नहीं उठेगा। उठा भारी है ना, चलो ऐसे हो जाता है। हाँ। अच्छा चलो, तो अब चल रहे हैं दोस्तों, इसका अच्छे से चूल्हा बनाएंगे, कुछ पकाएंगे, खाएंगे और सबको दिखाएंगे। पहले भीमू को सरप्राइज दिखाते हैं। भीमू सरप्राइज है आप सबके लिए। यस वाह, भीमू की रिएक्शन देखियो। रखिए नीचे, हाँ नीचे रखिए ना उसको, इसको इधर से पकड़िए, उधर पका हुआ है, अभी जस्ट वेल्डिंग किया है। हाँ अब ठीक है ना? अब ठीक है, बेस्ट है ना? अब नो इशू है, कोई इशू है इसमें? नो इशू, मस्त बन गया। ये नीचे रख दिया और अच्छा हो गया, पता है क्या? हाँ। छोटा वाला चीज भी हटेगा। कैसे? आप देखो। ये कौन सा दिमाग लगा लिए? ये थोड़ा सा बाहर की तरफ आया है ना, हाँ। छोटा चीज भी हटेगा। मैं लोटा में भी चाय बना लूंगी। पापा? हाँ पापा। मिट्टी को क्या कर रहे? मिट्टी को दुलार कर रहे हैं। दुलार क्या कर रहे हैं? मिट्टी को दुलार कर रहे। एक चूल्हा बना लिए, अब दूसरा चूल्हा बनेगा ना। हाँ। ये सिलेंडर का चूल्हा देखो, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। बाबू, ये बाबू देसाई, बाबू मोसाई, समझ रहे आप? छो कल बाल कटवाए, यहाँ का बाल बहुत छोटा कर दिए। हाँ। ऐसे इप्पी जैसा, आपके जैसा, इतना छोटा बना दिए। हाँ। ना तो आप क्या कहना चाहते हो कि मैं हिप्पी कटवाया हूँ? नहीं, आप तो मैं कहना क्या चाहती हूँ कि मैं हिप्पी कटवाया हूँ। जब से बिग बॉस देख रहे हैं, बिन बात का इशू बनाने का सोचते हैं। बिग बॉस में बिन बात का इशू बनता रहता है। आप पानी धरेंगे बस, और थोड़ा मारो ना। अब क्यों आप पानी लेके रेडी हो गए? वाटर आप में दम नहीं है, लो देखो देखो, इसको कहते हैं दम, है ना बेटा? हाँ पापा। हाँ जी पापा। पापा हाँ जी, वाटर लेके तो बैठ गए। हाँ। वाटर लेके बैठ गए। पानी धरो पापा, पानी धर दे पापा। धरो नहीं बेटा, पानी दीजिए इसमें, पानी दीजिए, पानी डाल दीजिए इसमें, पानी डाल दीजिए, डालो पानी डालो। थोड़ी देर ये फूलेगा, उसके बाद ये ठंडा हुआ क्या, हम इसमें लगाएंगे ये अंदर से, ताकि ये वो ना जले ना। कितना अच्छा हो गया पोर्टेबल चूल्हा हमारा। कब से हम बोल रहे थे, आप परमिशन नहीं दे रहे थे तो नहीं बन रहा था। एक ऐसे, हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, एक यहाँ पे ऐसे वो पकड़ने वाला ऐसे बन रहा है ना, बन रहा है। The next day मोहतरमा जी को अभी फुर्सत मिली है सुबह में ये सब करने का, जो मिट्टी लगाने का काम है इसमें। बहुत टेंशन है दोस्तों, क्या बताएं, बहुत टेंशन है। अभी हम बता रहे हैं दोस्तों को, इस वीडियो में तो हम आपको सिर्फ ये दिखाएंगे ये चूल्हा उल्हा बना है, ठीक है। लेकिन आज ही के दिन आप नेक्स्ट वीडियो देखेगा शाम को, ठीक है, आज शाम को देखेगा वीडियो, उस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ना। आज हम किसी और को नहीं, सीधा सीधा बोल रहे हैं और खुलेआम बोल रहे हैं, बीमू को एक्सपोज करेंगे और खुद को एक्सपोज करेंगे। मैं अपने आप को भी और बीमू को भी एक्सपोज करने वाला हूं मैं आज शाम के आने वाले वीडियोज में। बहुत ही बात है। और मैं इनसे ये भी कहता हूँ कि कसम है इनको, जो जो मुझे आज सुबह सुबह बोली है ना, सूत के उठे ही सब कैमरा में बोलना होगा, सब कैमरा में जो बोली हो सब आज कैमरा में बोलोगे आप, ये वाला वीडियो में नहीं, दूसरा वाला वीडियो में ना। बड़ा बड़ा लेक्चर स्टेटमेंट मुझे दे रही थी, मैं सुबह सोया हुआ था तभी दे रही थी। सब इन हिंदी यहाँ पे बताना है कैमरा में, वही बताना आप सही से समझ कर बोल रही थी ना, तो ठीक है सही समझ कर बोलो, बाकी हमारी यूट्यूब फैमिली जज करेंगे कौन सही कौन गलत है, ठीक है। मैं गलत हूँ तो मैं खुलेआम एक्सेप्ट करूँगा। फिलहाल तभी इसको लगा लेते हैं दोस्तों। तो इतना मिट्टी बन गया है दोस्तों, देखिए देखिए, ट्राई कीजिए, हो जाना चाहिए। हाँ आ गया यह हमारा चूल्हा, थोड़ा पतला पतला लगाना, ठीक है, ताकि हो सके। साइड से लगाओ, साइड से दिखा तो दिया था मैंने। पकड़ रहा है क्या? अच्छा बस बस ऐसा ही करना है चारों तरफ से। अभी ये तैयार होने के बाद मिलते हैं दोस्तों, आप सभी से दिखाते हैं कैसे कैसे बनता है। तब इतना बन के तैयार हो गया है। और सुहाना कुछ सवाल आ गए हैं। सुहाना क्या सवाल है आपकी? ये मिट्टी नहीं लगाए थे तब ना, तब बहुत अच्छा लगता, मिट्टी लगा दियो तो ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा आप मिट्टी क्यों लगाए, आपका ये सवाल है ना कि मिट्टी क्यों लगा दिए, है ना भीम? तो सुहाना का जवाब दो। खाना बनाने के लिए नहीं, ये जो है ना ये लोहा का है, आयरन है, इसमें खाना बनाएंगे तो ये गर्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा पकने वाला, गर्म लाल बन जाएगा गर्म से। और ये मिट्टी लगा दिए तब गर्म नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो लाल लोहा बन जाएगा, पक जाएगा इसमें, सब लोग हम लोग पक जाएंगे। हाँ तो उस हीट से बचने के लिए इस मिट्टी को चारों तरफ से थोपना अंदर से जरूरी है बेटा, समझ में आया? हाँ, इसलिए अंदर से छोटा सा पतला सा लेयर मिट्टी का लगाना जरूरी है, ताकि ये लाल होके गर्म ना हो जाए। नीचे से भी डाल दे, है थोड़ा सा डाल दो पतला, नीचे जमीन में, हाँ थोड़ा सा। तो अभी चूल्हा बन के हो गया है तैयार, देखिए। और मैं लगाई मिट्टी, सारा मैं लगाई, लेकिन इनको वो नहीं हुआ कि नहीं अभी नहीं हुआ है, तो ये खुद छुए, इसको प्लेन किए। मैं की थी तो कहीं पे ऐसे खोदा था, ऐसे ऐसा था, ये किए एकदम अच्छा से। अभी हो गया। अभी आपको लग रहा है परफेक्ट? मैं कोई भी काम करती तो इनको परफेक्ट नहीं लगता है, खुद छू लेते हैं, बोलते कि हाँ हो गया। अब ठीक है, हुआ एक नहीं है, देख लो खुद से भी। हुआ एक नहीं है। हाँ हो गया है। ये मिट्टी रह गया, इसको क्या करना है, रख देता हूँ, इसको अभी सूखने देते हैं दोस्तों, शाम को खाना बनाएंगे ना। तो दोस्तों हम लोग को काफी टेंशन चल रही है, अभी अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो आप लोग अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा प्लीज, और अपना राय विचार जरूर से जरूर दीजिएगा अगला वीडियो में, क्योंकि हम दोनों में लड़ाई हो रही है एक बात को लेके, घर के बात को लेके, क्योंकि मम्मी फोन कर करके रो रही है। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों। अभी हमारा चूल्हा बन चुका है, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तो अपना ख्याल रखें, बाय बाय दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब।